हाय गाइस, हालचाल कैसा है? सब ठीक ठाक हो? तो पहले ही मैं कह देना चाहता हूँ आपसे, स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि इस कोरोना का सिचुएशन में अगर आप थोड़ा सा भी घर से निकलोगे, अगर आपको सर्दी जुकाम कुछ भी हो जाए, तो यू प्रोबेबली थिंकिंग व्हाट आई एम थिंकिंग, राइट? एकदम आपका टेंशन में ही 70 डेज निकल जाएगा। 70 डेज अगर ना निकले तो 14 डेज तो निकलेगा, क्योंकि अगर आपका सर्दी जुकाम हो जाए तो उस टेंशन में ही तो आपका पढ़ाई भी खत्म हो जाएगा कि क्या मुझे कोरोना हो गया है। तो ये बात आपको समझना होगा, 70 डेज इज नॉट ए लेस टाइम, इट्स ए ग्रेटर टाइम एंड इट इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी। एस इस 70 डेज में अगर आप कैलकुलेट करो, 14 × 70 कितना होता है, 4 × 7 = 980, मतलब लगभग 1000 आवर्स यू आर इन एडवांटेज और यू हैव द 1000 आवर्स इन योर हैंड टू यूटिलाइज इट इन ए पर्टिकुलर एंड फोकस्ड मैनर टू क्रैक नीट। तो इस लॉकडाउन का सिचुएशन में आपको 3 तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे। कौन कौन सा स्टूडेंट्स? पहला वाला स्टूडेंट्स जो हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स है, जो मार्च और अप्रैल में लगातार हार्डवर्क करके अब वो सोच रहे हैं, वाह मेरा फुल NCERT कंप्लीट हो गया, बायोकेमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल फिनिश, सो नो टेंशन, जस्ट चिल, नेटफ्लिक्स खरीद लिए और जो भी अमेजोन प्राइम खरीद लिए, ठीक है, उस तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको। सेकेंड जो स्टूडेंट्स कौन से, सेकेंड स्टूडेंट्स हैं जो मीडियोकर, जिसमें मैं भी पढ़ता था 350 से 450, मीडियोकर नहीं कहूँगा, बहुत सर्कमस्टेंसेस के अंदर एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में कोई सीरियसली, एक सीरियस बात, कोई मेरिट नहीं जज किया जाता, इसमें टेक्निक लगता है पूरा सा, ठीक है, पूरा से टेक्निक लगता है। 350 से 450 पा रहे हैं अब वो ये सेकेंड कैटेगरी में पढ़ेंगे, क्योंकि वो अब हार्डवर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक पोर्शन उनका हार्डवर्क स्टार्ट करेंगे। हार्डवर्क करके क्या करेंगे, 450 और 350 को 600 में 550 में कन्वर्ट करेंगे। ये रियली हार्डवर्कर्स हैं। और इसके बाद और एक टाइप है जो सब टाइप में ही रखूंगा मैं, टाइप टू का, क्या है वो जस्ट लेटे हुए हैं, हमें तो मेडिकल नहीं पढ़ना, लेकिन अगर जब रिजल्ट निकल जाएगा तब उनका ये डिसीजन होगा, क्यों नहीं हार्डवर्क किए थे हम लोग, ठीक है। और लास्ट टाइप जो अभी तक स्टार्ट नहीं किए हो, ठीक है। तो ये 3 टाइप का स्टूडेंट्स तो अपने आपको मिलेंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन से कोई भी सिमिलरिटी मिलता है तो अंत तक देखना वीडियो को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई पढ़ने का डिस्कशन नहीं होगा, जस्ट सिर्फ एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आपको जो टॉपर्स हो उन लोगों के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपको लेटना नहीं है। आप अगर 14 घंटे पढ़ते थे मार्च एंड अप्रैल में, तो आप वो रिड्यूस करके 8 घंटा 10 घंटा में लाओ, ठीक है, लेकिन एकदम 4 घंटे में नहीं लाने को। क्यों? क्योंकि नीट से पहले वाला एक मंथ तुम्हें फिर से वो 14 आवर्स 16 आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लॉकडाउन के लिए तो 26 जुलाई चला गया, 70 डेज, 70 डेज में टॉपर्स ऑल्सो कैन बी अ ड्रॉपर एंड ड्रॉपर ऑल्सो कैन बी अ टॉपर, ये याद रखना। और जो ड्रॉपर्स हो, मतलब जो और जो ड्रॉपर्स और जो 350 से 450 के अंदर ला रहे हो, वो हार्डवर्क करते जाओ भाई, करते जाओ, क्योंकि अगर तुम हार्डवर्क करते रहोगे तो मैं दावा से कह सकता हूँ तुमको नीट क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्या करना है, कंटिन्यूअस रिवाइज करना है, कंटिन्यूअस। एक चीज में यहाँ पर देखो, ग्राफ है, एक स्टडी में दिखा गया था, पहले दिन जब तुम एक चैप्टर पढ़ते थे, पढ़ने के एक इस तरह का कर्व तुम्हें देखने को मिलता है, देख रहे हो यहाँ पर दिया हुआ है चार्ट, ठीक है, वहाँ पर देखो, एक अगर तुम पहले दिन पढ़ो एक चैप्टर को, Day 1 वो रेडियोएक्टिव की तरह डीके होता जाएगा नीचे में, ठीक है, नीचे डीके प्रोसेस होगा, मेमोरी लूजिंग, मेमोरी लॉस का प्रोसेस होगा। अगर वो चीज़ तुम 2 दिन बाद फिर से पढ़ो तो देखो कर्व थोड़ा फ्लैट हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी डीके करेगा वो। अगर वो 3 दिन बाद रिविजन के बाद, पहले दिन के बाद 3 दिन के बाद रिविजन के बाद, पहले दिन से 5 दिन के बाद, मतलब फर्स्ट रिविजन से 2 दिन के बाद और एक बार रिविजन कर लो, तो क्या होगा, देखो कर्व स्टीफ हो गया। इस तरह से अगर तुम रिविजन करते जाओ तो तुम्हारा मेमोरी लूजिंग, मतलब लॉस ऑफ मेमोरी बहुत कम होगा, ये तुमको करना है। अगर जो भी चैप्टर तुम्हें अबे तुम नहीं कर सकते, मतलब तुम्हें लग रहा है ये चैप्टर तो भाई नहीं होगा, क्या करे, ये चैप्टर छोड़ दूंगा, रोटेशनल छोड़ दूंगा, वो क्या करोगे, करोगे कि फॉर्मूला चार्ट जो है पहले वो रट लो, एक जगह पर लिख लो, ठीक है। मैं थोड़ी देर, कुछ दिन बाद एक वीडियो लाऊंगा जिसमें फिजिक्स का हर एक फॉर्मूला चार्ट मैं वीडियोज में बता दूंगा, ठीक है,
एक्सक्लूसिवली आपके लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। तो ये तुम्हें करना पड़ेगा, दो दिन बाद रिविजन करो, उसके बाद तीन दिन बाद रिविजन करो, बायो में केमिस्ट्री में हर दिन ये करते जाओ, ठीक है। इस तरह से तुम्हें लूजिंग ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी लॉस से बचकर रहना होगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में मैंने तो कहा ही है, ड्रॉपर कैन बी ए टॉपर एंड टॉपर कैन बी ए ड्रॉपर, ये तुम्हें याद रखना होगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया और प्रैक्टिकल सिचुएशन से कोरिलेट कर पा रहे हो, तो जाओ फटक से लाइक बटन को प्रेस कर दो। और एक बात इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसके बाद आएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी दो तरह का होगा, पहला वाला पार्ट क्या होगा, पहला वाला पार्ट होगा कि मैं फिजियोलॉजी को एक फुल दो वीडियोस में फुल्ली डिस्क्राइब करूंगा, प्रेनल फिजियोलॉजी हो, डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी हो, हर एक चीज़, ठीक है। और एक वीडियो आएगा जिसमें मैं इन ब्रीफ, इन शॉर्ट, नीट के लिए, पर्टिकुलरली नीट के लिए डिस्क्राइब करूंगा वो, ठीक है। तो आपको एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा हो फिजियोलॉजी में, तो आप डायरेक्ट वो सेकेंड वाला वीडियो देखना जिस पर मैं डायरेक्ट 30 मिनट्स में फुल फिजियोलॉजी का एक एक चैप्टर खत्म करूंगा, इन ब्रीफ, इन शॉर्ट, विथ एक्सक्लूसिव पॉइंट्स एंड फुल जो सप्लाई देते हैं ना आपको डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स, उसके वो जो डेटा और जो आकाश आनंद का फुल डेटा मिक्स करके मैं दूंगा वहाँ पर। और एक बार अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट ढीला हो और कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो, तो पहला वाला जो टाइप का वीडियो होगा, जो फुल्ली डिस्क्रिप्टिव वीडियो होगा, उसे देख कर आप फिर देखना उसे, और उसके बाद MCQs भी आएंगे, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर नीट, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड 12th का जो नेक्स्ट वाला जो इकोलॉजी का चैप्टर है, फिजियोलॉजी के बाद इकोलॉजी में मैं जाऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, एंड थैंक यू। एट लास्ट स्टे होम स्टे सेफ।